hi everyone welcome in a study for goals and today we'll see the second class and most important 20 questions okay upcoming jcc cgl exam lady supervisor and sahayakacharya आज हम लोग क्लास टू देखेंगे जो कि आपके अब कभी एग्जाम के लिए हैं एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया है कि हम लोग थर्टी डेज जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जा रहा तब तक हम लोग क्या करेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डील करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है विस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी अराइज़ विस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क एग्जाम इन एग्जाम विल सी द क्वेश्चन ओके सो चलिए हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि हाउ टू सॉल्व दी क्वेश्चन एंड हाउ टू डील विथ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम हॉल क्लियर तो फर्स्ट आप जैसे देख रहे होगे कि हम लोग क्लास वन अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपको जानना है यूट्यूब में आपको ये मिल जाएगा और अगर आप ऐप में हैं तो ऐप में भी आपको एक क्लास मिल जाएंगे बाकी जो टॉपिक्स छुटे हुए हैं जिनको मैंने लेक्चर के मोड में नहीं पढ़ाए बट उसका मैंने नोट्स आपको दे दिया है उसको मैं यहाँ भी कवरअप करूँगा और उसका लेक्चर भी आपको मिलेगा जल्द से जल्द तो इसके लिए वरी नहीं लेना कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें लेक्चर ना काम करके अगर उसका नोट्स आपने पढ़ाया अच्छे से कि इसलिए हमने नोट्स सबसे पहले आपको दिया था है ना तो चलिए आ... आप देखोगे कि आपका इंग्लिश लिटरेचर में क्या क्या पढ़ना है लिटरेचर में आपको नॉवेल पढ़ने हैं जिसमें मैंने ओल्ड मैन एंड द सी और आपका ड्रामा सेक्शन में मैंने एक और टॉपिक करवाया था उसका नाम था द टेम्पेस रिटेन बाय विलियम शेक्सपियर और ओल्ड मैन एंड द सी अर्नेस हेमिंगवे जिसका मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकिन आज मैं जो क्वेश्चन का सेक्शन उठा करके लाया हूँ इसका आपका वीडियोज बहुत कम होंगे क्योंकि ऐसे सेक्शन है टुडे विल डिस्कस अबाउट दी एस एस सेक्शन से कैसे क्वेश्चन एग्जाम आएंगे उनको मैं आज डिस्कस करूँगा तो आज आप देखोगे सबसे पहला स्टार्ट है हु हुटार्टेड द स्कूल ऑफ बावेना आप ये देखोगे क्वेश्चन है कहाँ से तो आप देखोगे लेटर टू अ टीचर और आपको एस में द सिविलाइजेशन ऑफ टूडे डिसिप्लिन फॉर डेली लाइफ वॉलेंट्री पॉवर्टी एंड कमला नेहरू ये एस सेक्शन में है तो आप देखोगे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा हु स्टार्टेड द स्कूल ऑफ बावेना लोरेंजो नोरा रोसोई टॉम कॉलेज द इटालियन फिजिकल सोसाइटी तो हमारा इसका आंसर होगा लॉरेंजो ने इस स्कूल को स्टार्ट किया था लेटर टू अ टीचर में अगर आप जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको मिलेगा बावेना तो आप चलेंगे सेक्शन ए में जाएंगे थोड़ा मैं अपना पेन ले लेता हूँ तो हमारा लॉरेंजो हो होगा क्लियर अगर हम लेटर टू अ टीचर वॉज रिटेन बाय द स्टूडेंट ऑफ देखिए लेटर टू अ टीचर अगर आप इस एस को आपने पढ़ा होगा तो एक लेटर लिखा गया है ना उस लेटर में लेटर को किसने लिखा लेटर टू अ टीचर वॉज रिटेन बाय द स्टूडेंट ऑफ कहाँ के वो स्टूडेंट थे ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है बहुत बार हम लोग पढ़े हुए नहीं रहते हैं और पढ़ के वहाँ पर यूनिवर्सिटी भूल जाते हैं क्योंकि इंडियन यूनिवर्सिटी तो है नहीं तो द स्कूल ऑफ बारवैइना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी डालसा यूनिवर्सिटी तो आप देखोगे आ, मैंने पहले भी क्वेश्चन में भी स्टार्ट किया था आप यहां पे भी आप देखोगे तो ए नंबर हमारा सही होगा क्यों क्योंकि जब भी आप इस ऐसे को पढ़ोगे तो स्कूल ऑफ द स्कूल स्कूल ऑफ बाबेना या स्कूल ऑफ बाबेना ऐसे करके आपको मिलेंगे तो आप है सो कहां पे चलोगे इसको जहां पे बाबेना का नाम आया बी साफ याद रखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि लेटर टू टू अ टीचर वॉज इटेन बाई द स्टूडेंट ऑफ बाबेना के स्टूडेंट थे है ना जैसे मैं अभी पहला क्वेश्चन की थोड़ा सा अगर अभी आपको जाऊँगा इसे रिलेट करने के लिए तो आपको पता चल जाएगा देखिए स्कूल ऑफ बाबेना लिखा हुआ है तो आपको ये ना मान करके क्या चलना है द स्कूल ऑफ बाबेना यहाँ पे ये आपको कट कर देना है और यहाँ पे चलिएगा ऑफ कर दोगे ठीक है तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा आगे अगर हम बढ़ेंगे हाउ मेनी इटालियन बॉयज़ फ्रॉम द माउंटेन आउटसाइड फ्लोरेंस रोड दिस स्पैसनेट एंड एलुकेंट बुक कितने स्टूडेंट थे जिन्होंने इसको लिखा है कितने स्टूडेंट का बात किया गया जिक्र किया गया है यहाँ पे हाउ मेनी इटालियन बॉयज़ तो आपको कभी कभी नंबर भी बता नंबर भी पूछ सकता है तो नंबर जानने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि कितने थे फ्रॉम द माउंटेन आउटसाइड फ्लोरेंस रोड दिसनेट एंड एलुकेंट बुक तो हम जानेंगे कि इसमें कितने थे हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर मतलब कि लगभग एट स्टूडेंट थे इस ग्रुप में जिन्होंने इसको लिखा है मैं एक और वीडियो लेकर के आऊँगा अगर आप भूल गए होंगे तो क्विक रिविज़न में मैं इसको भी करा दूँगा। तो देअर आर एट स्टूडेंट्स ओके एट स्टूडेंट ने इस बुक में काम किया था इस, इसको लिखा था ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है आप देखिए बड़े परेशान रहते हैं फोनेटिक्स को लेकर के हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को लेकर के तो ये प्रश्न को आप हमेशा ध्यान रखोगे व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईपीए इंडियन फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट या इंटरनेशनल फोनेटिक्स एग्रीमेंट इंडियन फोनेटिक्स एग्रीमेंट व्यू आंसर तो आप ध्यान दोगे कि आई पी ए देखिए हम लोग जो साउंड पढ़ते हैं ना आप अगर इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज में बात करोगे तो हम देखते हैं कि ट्वेंटी फोर हमारे लेटर्स हैं ट्वेंटी वन और फाइव और हम जो देखते हैं वेल एंड कॉन्सोनेट साउंड को हम लोग लेटर uh, को देखते हैं जिससे हम लोग ए एन दी आर्टिकल्स को पुट करते हैं ए और एन को लेकिन आप अगर इंटरनेशनल फोनेटिक्स में जाओगे जो कि इंटरनेशनल स्कूल्स में कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है जो भी वर्ड प्रस प्रोनन्सिएशन करते हैं जो भी प्रोनाउंस करते हैं वेन वी स्पीक टू समन या हमारा मदर टंग का इफेक्ट रहता है कभी कभी कोई सेंटेंस मैं भी बात करता हूँ तो देखना उसमें भी मेरा मदर टंग का इफेक्ट जरूर आपको नजर आएगा क्यों क्योंकि हम जब बोलते हैं तो प्रोनासीसन का बड़ा प्रॉब्लम होता है खास करके रूलर रूलर एरियाज़ के बच्चे जो होते हैं या कभी कभी हम कुछ वर्ड का उच्चारण सही से नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मदर टेंग ट जो प्रॉब्लम करता है या तो हम क्या करते हैं प्रोनांसिएशन करते हैं तो हम उस वर्ड का उच्चारण सही से नहीं कर पाते तो व्हाट इज द फुल फॉर्म आईपी हम उसको किससे मेजर करते हैं तो इंडियन फोनेटिक अल्फाबेट इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट तो हमारा बी नंबर करेक्ट होगा हम यहाँ पे जानेंगे कभी कभी आईपीए का फुल फॉर्म पूछ देता है तो आपको जानना है इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फाबेट ये होता है ना तो आप इसको लेकर के चलोगे ए नंबर हमारा हो जाएगा बी नंबर क्लियर आप इसमें जाओगे इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट हम इसमें साउंड सिस्टम का स्टडी करते हैं कौन सा साउंड कैसे प्रोनाउंस होता है कैसे हम उसको मोनोथोंग में रखेंगे कैसे हम उसको डिपथोंग में रखेंगे कौन सा एक्यूस्टिक है सारे चीज़ को मैंने लेक्चर में बताया है मैं उसको डिस्कस अभी नहीं करूंगा आप अगर कभी भी फंसते हो तो इंट्रोडक्शन वीडियो को देखना वहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे क्लियर और आगे हम जाएंगे तो यहाँ पे मैं थोड़ा डिस्क्राइब भी कर देता तो आई पी ए इज़ अ इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फाबेट विच प्रोवाइड्स अ यूनिफॉर्म इंटरनेशनल मीडियम फॉर स्टडिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन साउंड ऑफ ऑल लैंग्वेजेज ऑफ द वर्ल्ड इन केस ऑफ इंग्लिश इट असिस्ट इन अ क्रिएटिंग इंटरनेशनल इन टैलिजिबिलिटी इन अप्रोनसिएशन मतलब कहने का सेंस है कि आई पी ए क्या है इंटरनेशनल फोनेटिकल्फ़ाबेट है जो हमें प्रोवाइड करता है क्या प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल मीडियम फॉर स्टडिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन आप देखोगे जो न्यूज़ रिपोर्टर लोग होते हैं जो न्यूज को लिखते हैं या कभी कभी आप देखोगे कि जजमेंट होते रहता है तो जो लिखते हैं आप देखना उनका जो राइटिंग रहेगा है ना इस्टेनोग्राफर का आपने नाम सुना होगा स्टेनो जो लोग होते हैं वो ना बड़े शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे और बाद में जाके उसको पूरा हाईलाइट करेंगे पूरा डिस्क्राइब करेंगे वो थोड़े छोटे 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 वर्ड में उनको वो सारे चीज़ों को लिख देते हैं जैसे उनका साउंड कभी कभी देखना इस तरह से रहेगा ऐसे किया हुआ ऐसे किया हुआ ऐसे, किया हुआ, ऐसे करके कुछ करके वो सब चीज को समझ रहे हैं और उसके बाद में जाकर कि उन्होंने क्या लिखा है डिटेल में उसका रिपोर्ट तैयार करेंगे तो साउंड सिस्टम को, तो को पढ़ोगे जो कि आपके टू इंग्लिश मतलब लेंगे उनको पढ़ना ओरिजिन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज कि कब ओरिजिन हुआ क्योंकि ओल्ड इंग्लिश मिडिल इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश इसमें देखना है ना कि इंग्लिश uh, लैंग्वेज का ओरिजिन के बाद कितने चेंजेज़ आए आज देखना मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन या हम लोग कोई भी वो जो भी बात करते हैं आज दो तरह की इंग्लिश हम लोग बोलते हैं अमेरिकन बोलते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं आप जैसे मैं एक एग्जांपल आपको ले लूँ जैसे मैं डिनर बोलता हूँ डिनर हम मैंने डिनर कर लिया आई हैव टेकन माई डिनर और फिर बहुत सारे अमेरिकन में जाओगे तो डिनर ना बोल के सब बोला जाता है इस तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि कहीं ना कहीं से कैरी ऑन होकर के हमारे पास आया है तो हम ना उस वर्ड को भी हम लोग जैसे कभी कभी लिखना रहेगा तो ऐसे करके ऐसे ऐसे कब हर तरह का ट्रांसक्रिप्शन वर्ड्स है, है ना कभी कभी ए आपको रहेगा इस तरह के लहजे में लिखा हुआ रहेगा तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो बड़ा डेप्थ में आपको नहीं जाएगा कि आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है वर्ड को लेकिन आपको जानना चाहिए कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है कौन सा वर्ड कैसे हम प्रोनासीसन करते हैं तो बेसिक चीज़ को जान कौन से ट्वेंटी फोर अगर हमारे कॉन्सोनेंट साउंड है तो कौन कौन से साउंड हैं और बाकी क्योंकि फोर्टी फोर हमारे साउंड आते हैं यहाँ पे जब भी मैं पढ़ाया होऊंगा आपको फोनेटिक्स तो बताया हूँ कि साउंड कितने ट्वेंटी सिक्स लेटर में ट्वेंटी सिक्स लेटर में इक्वल टू फोर्टी फोर साउंड प्रोड्यूस होते हैं ना आप ट्वेंटी सिक्स भले इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आप देखते हो बी सी डी एफ जी बट आप अगर साउंड की बात करें तो इनसे लगभग 44 साउंड निकल करके आते हैं जिनको आपको जानना है अगर आप फोनेटिक्स में आंसर को सही करना चाहते हो तो चलिए तो हमारा इसका आंसर आपको पता ही चल गया और हम लोग खास करके इन केस ऑफ इंग्लिश इट असिस्ट इन अ क्रिएटिंग इंटरनेशनल इंटेलिजिबिलिटी इन ऑफ प्रोनाशिएसन खास करके इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोनासीिएशन का स्टडी किया जाता है कि हम लोग टंग से क्या बोल रहे हैं टिप्स से क्या बोल रहे हैं वोकल कोड से क्या बोल रहे हैं मौत कब हम लोग जैसे कंठ से आवाज़ आ रही है जैसे मैं बात कर रहा हूँ कभी कभी हम लोग वोड से बोलते क ख बी सी डी ई एफ एलिम एलिफेंट ग्राम एग्जामिनेशन जैसे देखना तो हम लोग कभी कभी हम लोग जानते नहीं इसलिए बोलते एग्जाम हम लोग अच्छे से प्रोनाउंसिएसन नहीं करते हैं तो ब्लैक बोल देते हैं तो ब्लैक तो कहने का सेंस है कि कैसे वर्ड का प्रोनाउंसिएसन होता है तो हम लोग कहाँ पे किसका उच्चारण करते हैं साइंटिफिक स्टडी के माध्यम से तो आईपीए का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है क्लियर तो चलिए आगे बढ़ते हैं फोनीटिक्स द यूजअली डिवाइडेड इंटू द ब्रांचेज आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि कितने में डिवाइड किया गया फोनीटिक्स को यूजअली कितना में डिवाइडेड किया गया पिछले बार का जो वर्ड ऑफ द डे का क्वेश्चन था उसमें उसका आंसर भी आपका फोनीटिक्स ही होता तो फोनेटिक्स इज यूजली डिवाइडेड इंटू द ब्रांचेज कितना ब्रांच इसका है सबके तक ना ब्रांच का स्टडी करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़ोगे टेंस पढ़ते तो उसके सब फॉर्म होते हैं अगर हम बात करें नॉन नॉन एडजेक्टिव एडवर्व पढ़ोगे तो सो उनके काइंड है इस तरफ फोनेटिक्स का आप स्टडी करोगे दाई टैम यू नो बेसिक आइडियाज आपके पास है ना यू नो अबाउट द बेसिक आइडियाज कि हाउ मेनी ब्रांचेज ऑफ द फोनेटिक्स तो वी टॉक अबाउट देयर आर थ्री ब्रांचेज ऑफ द फोनेटिक्स पॉलिटिक्स में लगभग तीन ब्रांचेज हैं और ये तीनों ब्रांचेज के बारे में आपको जानना चाहिए अगर, आज इस ब्रांचेज के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं आपको परेशान होना नहीं मैं आगे इसके इसका भी क्वेश्चन लेकर के आया हूं तो आपको याद रखना है कि देर आर थ्री ब्रांच है जहां पर हम उनको डिवाइड किए हैं क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं विच ऑफ़ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ फोनेटिक्स फोनेटिक्स में कौन सा इसका टाइप है तीनों का नाम आपको पता होना चाहिए कि क्या नाम है उसका तो आर्टिकुलेट्री पर्सनल एक्यूस्टिक ऑडिटेरी तो ये तीनों को मैंने डिफाइन किया अपने लेक्चर में अगर आपने लेक्चर को सुना होगा तो आप देखना पर्सनल कभी भी नहीं होता आप आंसर देख रहे हो क्योंकि मैं डिफाइन कर रहा हूँ कोई बारी नहीं आपको मेरे इस लेक्चर को ध्यान से सुनना है क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर अपकमिंग सीजियल एग्जाम के लिए तो आपको थोड़ा ध्यान देना तो पर्सनल का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया अगर आप पूरे सिलेबस सिलेबस को देखोगे देन कहीं भी प्रश्नल का आपका नहीं आएगा विच ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ फोनेटिक्स फोनेटिक्स में आर्टिकुलेटरी आता है क्रिस्टिक आता है ऑडिटरी आता है तो हमारा आया अभी तो यहाँ पे मेरा आंसर ये गलत है ये गलत है ये गलत है ये हमारा ये सही विच ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ फोनेटिक्स टाइप अगर रहता तो आपको तीनों के बाद ऑल ऑफ दी एब रहता या फिर आपका पर्सनल नहीं रहता क्लियर ना तो यहाँ पे नो no का सवाल है तो नो no का सवाल है तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर आगे के क्वेश्चन को देखते हैं अब देखिए एक्सप्लेनेशन uh, थोड़ा हम लोग देख लेते हैं फोनेटिक्स कैन बी डिवाइडेड इन टू थ्री मेन ब्रांचेज दीज आर आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स एक्स्टिक फोनेटिक्स एंड ऑडिटोरी फोनेटिक्स हम कैसे सुनते हैं कैसे वर्ड का निग्रहण हम लोग लेते हैं हमारे और आपके बीच में जो वर्ड्स आता है मान के लिए अभी मैं बोल रहा हूँ राइट नो एम स्पीकिंग और आप मेरी बात को सुन रहे हो तो सुनने के बीच में हम मेरा साउंड आप तक कैसे पहुँच रहा है आप तक रीच कैसे हो रहा है क्या कुछ एयर काम कर रहे हैं तो हम लोग इन्हीं तीनों के थ्रू समझते हैं आर्टिकुलेट्री एक्विस्टिक और ऑडिटरी तीनों का अपना अपना पार्ट है मैं अभी इसमें लेक्चर बिल्कुल भी नहीं दूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका लेक्चर आपको दे चुका हो आप ऐप में होंगे जिन्होंने मेरे कोर्स परचेज किया होगा उनको इनका मिला होगा आप लोग बड़ा परेशान इस बात को लेकर के रहते हो कि सर और टॉपिक और बहुत सारे देखिए बहुत बड़ा ये आपका एक बुक ही खास करके हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में और ओरिजिन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज में इसमें आप अपने से कितना काम करते हो हमने बेसिक आपको बताया है बाकी आप देखिए ये अलग तरह का है क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे जैसे सीजीएल ने इस टॉपिक को लिटरेचर वाले स्टूडेंट का टॉपिक आपको दे दिया है तो कहीं ना कहीं और नगर पालिका में ज़्यादा क्वेश्चन भी थे तो ओबियस सा बात है कि आप परेशान हो गए कि सर दस से बारह पंद्रह क्वेश्चन खाली हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और ओरिजिन ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर से पूछिए तो डोंट वरी अबाउट इट आपके बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे लेकिन आपको जो नोट्स मिला हुआ है हमने जो नोट्स आपको प्रोवाइड किया है थोड़े आप अगर स्टडीज़ को करोगे गूगल में जाओगे तो आप देखना बस क्या करना हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज करोगे ओल्ड इंग्लिश मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश को डिटेल में देखोगे हमारे नोट्स को देखोगे तो आपको देखना बेसिक पता चल पता चल जाएगा और मैंने बेसिक डिटेल भी आपको लेक्चर में बताया और आगे मैं कोशिश करूँगा कि जैसे जैसे एग्ज़ाम आपके एक जनवरी से लेकर के जब तक एग्जाम आपका नहीं हो जाता तब तक मैं कोशिश करूँगा हर दिन फोनेटिक्स का कुछ ना कुछ क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में डालूँ और उनको मैं थोड़ा डिटेल डिस्क्राइब भी करूँ ताकि आप उन क्वेश्चन को समझ पाए और अब आपके पास मौका भी अच्छा है कि आप मेरे साथ कोई सवाल अगर ऐसा आता है तो वेन यू सी दीडियो आफ्टर दैट विल राइट अ कमेंट ओके कमेंट में आप लिख सकते हो सर दिस क्वेश्चन यू हैव टू डिस्क्राइब इन द क्लास बट आई डोंट नो हाउ टू आइडेंटिफाई विस टाइप ऑफ मैथड वी यूज टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो मैं कोशिश करूंगा उसको ग्रुप में या ये कर दूं क्योंकि मैं अभी खास करके सी को लेकर के क्योंकि आप मैं जान रहा हूं कि आप बड़े फोकस हो और एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है तो मैं इसके लिए आप पे काम करूंगा और बेहिचक आप मुझसे क्वेश्चन भी मेरे पर्सनल नंबर पर शेयर कर सकते हो है ना स्टडी फॉर गोल्स इतना टीम आपके लिए वो करेंगी क्लियर चलिए आते हैं आँ... तो मैंने तीन बताया तीनों का नाम बताया आप तीनों का ये नाम याद ज़रूर रखोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा तीनों का नाम बड़ा ही अच्छी इंपॉर्टेंट है क्या किया है थ्री बताया था ये आप क्या कर लोगे आर्टिकुलेटरी सॉरी आर्टिकुलेटरी, ऑडिटरी और एकस्टिक ये तीनों आ जाएंगे कब है ना ये तीनों को आप जरूर याद कर लोगे अब प्रसन्नल नहीं होता है चलिए आगे बढ़ते हैं द पोएम टेलीफोन कन्वर्सेशन इज ए रिटेन देखिए टेलीफोन कन्वर्सेशन जो है आपको मैंने इसका भी पोएट्री सेक्शन से मैंने इसको लिया है देखिए दो लोगों की कहानी दो लोगों के बीच में फोन से बातचीत हो रही है हम आप क्या करते हैं रेंट लेना चाहते हैं और देखिए एक अफ्रीकन है कलर डिस्क्रिमिनेशन देखिए कितना दक्षिण खास करके दक्षिण अफ्रीका में हो गया अमेरिका में आज भी कभी कभी आपको ये न्यूज मिलता होगा कि कलर को लेकर के भेदभाव है काले गोरे का भेदभाव आज भी वहाँ पे है कलर डिस्क्रिप्शन हम इंडियन को भी वहाँ पे कभी कभी क्या कहा जाता है कि हम लोग गोरे की गिनती में नहीं आते हम लोग भले मेरा कलर गोरा है तो मैं कहूँगा कि मैं वहाँ गया तो मैं गोरा का आ जाऊँगा कभी भी नहीं तो ये आप देखोगे कि अमेरिका एक अफ्रीकन व्यक्ति क्या करा इंग्लैंड के एक लेडी से बात करा है. रेंट उसको चाहिए स्टार्टिंग में वो लेडी भी बड़े अच्छे से बात करती है हाँ आप क्या करो आपको कब रेंट चाहिए क्या है ये भी उससे बात करा है. लेकिन जब भी जैसे वो बताता है कि मैं क्या हूँ मैं ब्लैक मैन हूँ मतलब मैं काला हूँ और तो वो लेडी क्या कहती है कि आप कितने काले हो मतलब काला में भी कितना काला हूँ तो वो बताता है कि मेरे पाम को छोड़ करके के पाम जो हथेली है पैर का जो तालवा करोगे उसको छोड़ के अगर मैं दांत में हँस दूँ तो मेरा दांत छोड़ के और एक बड़ा ही कटास करती है कि मेरा बटक भी बैठे बैठे क्या हुआ घिस घिस करके पूरा काला हो चुका है मैं इतना काला कलूटा का हूँ इस तरह से वो करके बताता है तो आप देखोगे कैसे कलर डिस्क्रिप्शन को लेकर के इस पोयम को लिखा गया आ, तो आ, कलर को लेकर के इस पोएम में दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन की स्टोरी है बड़ी प्यारी सी और बड़ा ही राइटर इसमें बताना चाह रहा है कि आज भी समाज में इस तरह की भ्रांतियाँ व्याप्त है जहाँ पे हम लोग कास्ट रिलीजन सारे चीज़ों को देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि उसको रखना है उससे बात करना है उससे खाने शेयर करने हैं उनसे मुझे दोस्ती करनी है आज भी कहीं ना कहीं इंडिया में और अदर कंट्री में भी है तो इंडियन में आप मैं बता रहा हूँ इंग्लिश लिटरेचर में दे आर नंबर ऑफ राइटर्स जिन्होंने मैं जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ की मैं बात करूँ तो देखना नेचर पोएट होते हैं नेचर को लेकर के बड़े पैसे उनका डेफोडील पढ़ो आपको रैम्बो पढ़ना है जॉन किट्स का जॉन किट्स हो गए उनका ओ टी दी नाइट एंगल में आप देखोगे कितना वो हताश और नाराज थे निराश थे लेकिन जब उन्होंने उस नाइट एंगल के गाने को सुना तो कितने मंत्र मुग्ध हो गए तो कहीं ना कहीं वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमको अगर वी लीव इन अ प्रेजेंट मूवमेंट अगर हम प्रेजेंट मूवमेंट में रहते हैं चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो बड़ा ही अच्छा महसूस होता है तो जी बिल्कुल भी नहीं होंगे क्योंकि जी आपको पढ़ना है जो ये है नहीं। तो हमारा ये गलत हो गया। किट्स बिल्कुल भी नहीं है और तो दी आपको पढ़नी है आपको जितने भी वर्क हैं उनके राइटर्स के नाम रियली आपको अपने माइंड में रखना है एग्जाम तक है ना आप दो काम करोगे सागर सर का ये बात मानना जरूर आप राइटर्स का नाम टॉपिक्स के नाम और वो राइटर कहां से बिलोंग करते हैं और जो भी ड्रामा सेक्शन है ये तीन पॉइंट आप कॉपी में नोट डाउन कर लो पहला काम आप क्या करेंगे राइटर का नाम राइटर कहाँ से बिलोंग करता है और उसमें मेजर कैरेक्टर कौन अगर मैं टेम्पेस्ट पढ़ रहा हूँ तो प्रोस्पेरो मिरिंडा एलेंसो एंटेनियो गोंजेलो एरियल कैलिबन कैबियल्स सैकोरेक्स ये सब का नाम आपको याद होना चाहिए मुझे इतना याद आ गया पढ़ाते पढ़ाते तो ऐसे नाम थोड़े डिफिकल्ट हैं क्योंकि वी इंडियन थोड़े अदर कंट्री के नाम याद करना बड़ा टफ़ होता है बट आपको प्रैक्टिस से ही आ जाएगा अगर आप ओल्ड मैन इन द सी पढ़ रहे हो तो उनमें आपको सेंटियागो को मर्लिन को या उसका जो एक दोस्त था उनका जो छोटा सा बच्चा जो उसके साथ सीखने जाता है तो सारे उनका नाम आपको याद रखना होगा है ना अगर हम बात करें एक मैं और बता रहा था डॉक्टर फोस्टस जो अगले चैप्टर अगला मैं लेक्चर जो लूँगा खास करके डॉक्टर फॉस्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर के आएंगे और मैं थोड़ा उस स्टोरी को भी डिफाइन करूंगा कि फॉस्टर में आपको क्या क्या ध्यान बड़ी सी ड्रामा है लेकिन मैं डॉक्टर फॉस्टर क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया बहुत बढ़िया है जो कि एक किंग क्या कर रहा है सुपरस्टिशियस चीज़ को सीख रहा है सुपरस्टिशियस करने का मतलब है कि वो तो किंग था बट अब वो क्या चाह रहा जादू टोना सीखना चाह रहा है मैजिक अपने जादू टोना से आम, कैसे वो सीख पाता है क्या क्या उसमें करता है वो सारा चीज़ आप पढ़ेंगे लेकिन मैं डिटेल में और इनसे बनने वाले क्वेश्चन को लेकर के आऊँगा आज ही मैं रिवील कर दे रहा हूँ फाइनल सॉल्यूशन देखना है मुकेश दत्तानी जी का उसमें भी कैरेक्टर बहुत सारे हयावदाना देखना जहाँ पे एक स्टोन और सागर सर के जैसा लिंथिन व्यक्ति की कहानी है वो भी आपको पढ़ना मैं भी उन पर डिस्कस करूँगा और बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरी है ज़्यादा आपको अगर माइंड नहीं भी लगाओगे तो अगर आप थोड़ा उसको स्टडी करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं द पोएम टेलीफोन कन्वर्सेशन इज अ रिटेन बाय जॉन किट्स भी नहीं हो गए पी सेली भी नहीं हो गए कहा जाता है कि जॉन किट्स और पी बी सेली बड़े अच्छे दोस्त हैं इन पर इन्होंने पी बी जॉन किट्स ने एडोनिस अच्छा इसको मैं भी डिस्कस नहीं करूँगा फिर लंबा चला जाएगा सॉरी थोड़ा मैं टॉपिक से फिर भटक जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे ऑल की होंगे है ना इनको याद करके रखना है कि द पोएम टेलीफोन कन्वर्सेशन इज रिटर्न बाई ऑल की। भाई मैं जो पहले बात कर रहा था वो जब मैं जॉन किट्स का है वो टू द नाइट एंगल पढ़ाऊंगा देन आई कैन डिस्कस ओके चलिए आई सेल डिस्कस इन फर्दर टॉपिक्स चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आगे जैसे आप जाओगे वेन वॉज विलियम बर्थ डेट कभी कभी आपको ना राइटर का बर्थडे पूछे लेकिन सारे राइटर्स का नहीं आप ध्यान रखोगे विलियम शेक्सपियर मेजर राइटर हैं उनके बिना इंग्लिश लिटरेचर अधूरा है तो उनका कितने वर्क हैं उन्होंने आपको क्या लिखा सोनेट ट्वेंटी नाइन आपको पढ़ने द टेम्पेस्ट पढ़ने मतलब विलियम शेक्सपियर के देर आर टू वर्क आपको पढ़ने एक पोएट्री सेक्शन से है जिसमें सोनेट पढ़ने सोनेट कितने लाइन के होते हैं चौदह लाइन के होते हैं वो आपको याद होना चाहिए उसमें क्या होता है चार चार लाइन ता है जिसको कपलेट बोल उसको क्या बोलते हैं कपलेट बोलते हैं या वो आगे मैं भी डिस्कस करूंगा तो उसमें मैं उसको बताऊंगा आपको तो आप कितने चौदह लाइन को क्या क्या नाम से जाना जाता है वो देख लोगे सोने सोने ने अपने लाइफ में कितना लिखा है वर्क कितना लिखा प्ले कितना वो आप जानोगे और वेन वॉज अ विलियम वर्सवर्थ बर्थडे बर्थडे इनका कब था कब ये तो हम बताएंगे कि ये हमारे क्या थे ये रोमांटिक एज के राइटर थे रोमांटिक एज कहने का सेंस है कि आ रोमांटिक एज सेवेंटीन मतलब कि लिरिकल बैलेट्स जब हम बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था उसके बाद से लेरकल बैलेट को लिखा गया था 1798 में और विलियम वर्सवर्थ का जन्म हम बात करेंगे तो कब हुआ था सेवन अप्रैल 1770 यानी कि एटीन सेंचुरी में इनका जन्म हुआ था एटीन सेंचुरी के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेट राइटर थे और इनके एक बहुत ही बढ़िया फ्रेंड थे एस टी कॉलरी जिनके साथ मिलकर कि इन्होंने लेअकल बैलेट्स को लिखा था और लियरकल बैलेट्स में देयर आर ट्वेंटी फोर जो कि अगर जो लिटरेचर पढ़ते होंगे उनको पता होगा और आपको इतना डेप्थ नहीं जाना बस आपको जानना चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ था 17 अप्रैल 1770 और डेथ हो गई थी 1850 में और इसके बाद ये पोएट लोयरेट भी रहे थे इंग्लैंड के मतलब कि वहाँ के कवि राष्ट्र कवि कर सकते हैं जैसे कि हर राज र... राष्ट्र के अपने एक नेशनल कवि होते हैं इस तरह वहाँ के वो कवि थे है ना पोएट लोयरेट थे जो कि टेनिशन के बाद बने हुए थे अब आते ये हो गया ये तीनों नहीं रहेंगे तो आप इस डेट को याद कर लोगे चलिए आगे बढ़ते हैं आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा मैं डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ ताकि आप इसको समझा पाओ विलियम डेज सेवेंटीन सेवन चलिए शेक्सपियर सोनेट इज यूजली कितने उसमें कंटेन रहते हैं सेवन कपलेट फोर स्टेंजाज थ्री कपलेट एंड टू स्टेंजाज थ्री स्टेंजाज इन एंड अ कपलेट तो देखोगे अगर हम बात करें शेक्सपियर uh, का तो शेक्सपियर को आप जानते हो कि 1616 में इनकी मृत्यु हो गई थी 1564 में इनका जन्म हुआ था और अपने लाइफ में इन्होंने मैं थोड़ा डिटेल और बता दूँ तो अपने लाइफ में इन्होंने सैंतीस प्ले लिखे थे जो भी मैं पहले डिस्कस भी कर रहा था uh, ये इनका वो प्ले है मतलब कि और एक इसमें टेम्पेस पढ़ना है टेम्पेस सबसे लास्ट है अगर हम सोनेट की बात करें तो मतलब जो वन का पोएट्री सेक्शन है तो वन फोर्टी फोर सोनेट्स इन्होंने लिखा था और एक सोनेट आपको पढ़ना है क्या सोनेट ट्वेंटी नाइन सोनेट ट्वेंटी नाइन आपको पढ़ना है और ये अगर हम बात करें इसमें कितने तो सेवन कपलेट बिल्कुल भी नहीं होते हैं ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा फोर स्टेंजाज बिल्कुल भी नहीं थ्री कपलेट एंड टू स्टेंडर्ज तो हम बात करेंगे इसमें टू स्टैंडर्स तो लास्ट में रहेंगे ही नहीं रहेंगे थ्री स्टेंजाज एंड कपलेट मतलब कि तीन स्टेंजाज रहेंगे हर स्टेंजाज फोर लाइन का रहेगा और कपलेट हमारा कपल कपल से इसको याद कर लोगे कपल कितने लोग रहते हैं दो लोग आपके भी आपके भी गर्लफ्रेंड होंगे या किन्हीं का बॉयफ्रेंड होगा या हम लोग इनके साथ दोस्त कहते हैं तो दो का जोड़ा समझ लेना है ना तो आप देख लोगे कि थ्री स्टंजा एंड अ कपलेट मतलब कि ये हो गए तीन हो गए तो तीन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से तो 12 हो गए मैथमेटिक्स भी लिटरेचर में पढ़ लेते हैं टू यानी 14 लाइंस का रहेगा टू लाइन जो लास्ट में रहता है उसको बोलते हैं कपलेट और थ्री स्टंजा जो आपका इधर है है ना चलिए आगे बढ़ते हैं इतना आपको डेप्थ में नहीं जाएगा कि इनका बता। आप इनका नाम होम बताओ आप लिटरेचर खास करके जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को लिया टीचर्स के एग्जाम आप दे रहे हो तब आपसे इस तरह के प्रश्न आपको परेशान करने के लिए पूछ सकते हैं उनको लगता है कि टीचर को पता होगा आपने उसमें राइमिंग स्कीम पूछ सकते हैं मेटाफर क्या है आपका सिनो मेटाफर क्या है फिर पर्सोनिफिकेशन क्या है राइमिंग स्कीम है ना जैसे कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हम जब पढ़ते हैं देखना कितने अच्छे से राइम किया हुआ वर्ड्स रहते हैं तो हम लोग ए बी सी डी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से उसको सजाया जाता है तो वो आपको जानने का जरूरत नहीं है वे एन वाज ट्वेंटी नाइन कंपोज कब इनको कंपोज किया गया था देखिए बहुत सारा है। विलियम शेक्सपियर का वर्क जो है उसमें पता नहीं चलता है कि उनका जन्म ही कब हुआ था ये भी बहुत डेट में डेट में भी बड़ा कन्फ्यूजन रहता है लेकिन आप देखोगे क्रिश्चनिटी में क्या होती है कि हम सब बच्चों का जन्म होता है और जन्म के बाद जन्म का नामकरण होता है हम लोग नेम रखते हैं तो आप क्रिश्चन कम्युनिटी में जाओगे तो आफ्टर थ्री डेज जन्म के तीन दिनों के बाद उनका नामकरण किया जाता है तो क्रिश्चियन कम्युनिटी में क्या होता है उनका जब नामकरण किया जा रहा था तो चर्च में एविडेंस मिला कि पंद्रह में उसके बाद जो चौबीस अप्रैल जब उनका जन्म दिखाया जा रहा है तो वो वहाँ पे मेंशन है तब से जाकर हम जानते हैं कि ऐसा उनके साथ हुआ तो सोनेट कब कंपोज्ड था अराउंड 1915 1992 ऐसा माना जाता है कि इसको कंपोज किया गया अराउंड लगभग 1915 90 सॉरी 1592 मैं बार-बार थोड़ा कंफ्यूजन कर रहा हूँ, 92 बोल दे रहा हूं तो इसके लिए सो so सॉरी 1592 क्लियर 1592 में अराउंड इसको कंपोज्ड किया गया था चलिए hmm. आगे आएंगे तो फिर से मैं ये बता रहा हूँ कि हमारा एक ये है आपका टेलीग्राम चैनल है जिसमें आप जुड़ेंगे खास करके आपकी तैयारी के लिए बनाई गई और झारखंड से लगभग 700 हंड्रेड सेवा बच्चे जो इंग्लिश लिटरेचर के हैं इनसे जुड़े हुए हैं और मैं इसमें क्विज़ लेकर के आता हूँ अभी मैं आ, कुछ दिन से गैप रखा हूँ बट सॉरी टू से थोड़ा बिजी शेड्यूल होने की वजह से बट मैं फिर से इसमें लेकर के आऊँगा और आप इसमें जुड़ सकते हैं मैं इसके लिए क्वेश्चन रेडी हो चुके हैं आपको अब देखने को मिलेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ग्रामर के लिटरेचर के सारे क्वेश्चन रहते हैं आप देखो होता क्या है कि हम तैयारी तो करें बट मॉक नहीं लगाते तो आप इस मॉक को जरूर लगाओ और इस मॉक में आपको ट्वेंटी वन मॉक अभी है, इसमें अवेलेबल हमने अपलोड कर दिया है और बाकी आगे अगर मॉक और बनेंगे आपको एग्ज़ाम से पहले इसमें और अच्छे स्टैंडर्ड मॉक मिलेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया रहेगा इसके लिए आपको स्टडी फॉर गोल ऐप डाउनलोड करना है और टू टू फोर्टी नाइन में इसको परचेज करना है कोई प्रॉब्लम होता है तो इस नंबर पे आपको कॉल करना है क्लियर चलिए आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं हाउ मेनी लाइन्स डज अ ट्रेडिशनल शेक्सपियर सोनेट कंटेंट कितने लाइन उसमें शेक्सपियर के सोनेट्स में लाइने हैं तो मैंने बताया था कि जितने भी शेक्सपियर्स के सोनेट्स हैं उनमें चौदह लाइन होती है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप माइंड में रखोगे चौदह लाइन की होती है है ना इनके जितने भी सोनेट्स हैं फोर्टीन लाइन के हैं फोर्टी कोई कोई सोनेट्स आगे भी बढ़ सकता है बट मैक्सिमम सोनेट्स आप देखोगे तो फोर्टीन लाइन के मिलेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं हु इज़ ऑफ ए नॉन एज द इंग्लिश नेशनल पोएट्स बार्ड ऑफ एवन वार्ड एवन ए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कभी कभी शेक्सपियर्स को लेकर के पूछ देता है आपको जानना होगा कि बार्ड ऑफ एवन किसको कहा जाता है नेशनल पोएट कौन थे तो हम जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर को नेशनल पोएट भले कहना कहा जाए बार्ड ऑफ एवन के नाम से जाना जाता है इंग्लैंड में तो आप याद रखोगे विलियम शेक्सपियर बाकी किंग लियर इनके द्वारा लिखा गया था वाल्टर डी दे, डेला मैरा ये क्या है? एक पोएम है और जॉन किट्स हमारे रोमांटिक एज के एक राइटर हैं है ना जिनकी बहुत ही कम एज में मृत्यु हो गई थी ट्यूबर क्लोसिस से और जॉन किट्स का ओट टू दी नाइट आपको पढ़ना है 25 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी और कहा जाता है कि जॉन किट्स अगर जीवित रहते तो शेक्सपियर के बाद इनका नाम बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता और आज हम लोग विलियम शेक्सपियर के बाद जॉन जॉनकिट्स को भी पच्चीस साल की उम्र में कह सकते हैं कि सबसे कम उम्र में इतने अच्छे से पोएम्स को इन्होंने लिखा कभी आपको मौका मिले जब आप नौकरी में चले जाओ और आप अगर विलियम शेक्सपियर को पढ़ना चाह रहे हो जिन्होंने आपको जॉब दिलाई तो ज़रूर आपको विलियम शेक्सपियर और जॉन किट्स पी बी सैली विलियम वाट्सवर्थ इनके पोएम्स को पढ़ने चाहिए आप ओरिजिनल टेक्स्ट ना पढ़ पाओ तो आप इसके कुकू एफ एम में या बहुत सारे आ, ये हैं ऐप्स हैं जहाँ पे इनके ट्रांसलेशन मेथड में आपको सुनाया जाए बड़ा ही आपको अच्छा लगेगा इसको अगर पढ़ोगे यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोज हैं जिनमें जिन आप इनके वर्क्स को सुन सकते हो जान सकते हो कि आखिर कौन है कभी कभी विलियम शेक्सपियर बोलते तो लोग हंसते इस शेक्सपियर कैसा नाम है बट बिना शेक्सपियर को पढ़े लिटरेचर के स्टूडेंट अधूरे हैं पूरे वर्ल्ड में विलियम शेक्सपियर को पढ़े बिना अगर कोई कह दे कि आई हैव कम्प्लीटेड माई मास्टर ग्रेजुएशन तो इट्स इम्पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ विलियम शेक्सपियर्स वर्क विदाउट वी कम्प्लीट आवर स्टडीज़ इन अ लिटरेचर क्लियर चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अब मैं थोड़ा लिटरेचर के साथ मैंने आपको बताया था कि लिटरेचर के साथ साथ मैं ग्रामर सेक्शन में भी बात करूँगा क्योंकि बिना ग्रामर सेक्शन के बारे में पढ़ जाने हम वी कॉन्ट कम्प्लीट आवर सिलेबस तो मैंने कल के लेक्चर में आपको आ, ए, एक्टिव पैसिप डिस्कस किया था आज मैं ना डायरेक्ट इंडायरेक्ट का कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और डायरेक्ट इंडायरेक्ट में भी आपको मैं बता रहा हूँ कि आज एक टॉपिक कल अपलोड किया गया है टेंस का है ना आप उसको जरूर देखोगे उसका तीन पार्ट आएगा लग ये लगभग एक घंटे की वीडियो है जिसमें मैंने प्रेजेंट टेंस के चारों टॉपिक डिस्कस किए हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट टेंस ये चार किए हैं अगला पास्ट करेगा फिर फ्यूचर करेगा तो अगर आप टेंस की पकड़ रहेगी क्योंकि आपका वो फाउंडेशन ठीक रहेगा देन मैं एक्टिव पैसिव पढ़ाऊँ डायरेक्ट इंडायरेक्ट पढ़ाऊँ तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको क्या करना है कि इसको तो आप मुझे लगता है कि आप इतने दिन से तैयारी करें इतना समय मिला है तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट आपकी अच्छी समझ हो गई गईगी तो आप मेरे साथ चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और मैं थोड़ा तो समझा करके इसको बताने का प्रयास करूँगा तो ही सेड टू इंटरव्यूअर कुड यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन मतलब कि क्या हो ही सेड टू इंटरव्यूअर कोई इंटरव्यू देने गया वो इंटरव्यूअर से कहा कि कुड यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन क्या आप क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हो क्योंकि हम कुड का यूज़ क्या करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं अगर अपने मॉडाल्स को पढ़ा होगा तो कैन हम लोग परमिशन लेने के लिए करते हैं जो 100% परसेंट पॉसिबिलिटी दिखाती है तो जो हम जो काम कर सकते हैं उसमें हम बोलते हैं यस आई कैन राइड अ बाईसाइकिल मैं कार नहीं चला सकता इसलिए मैं कहूँगा आई कॉन्ट ड्राइव कार बट जी कार चला लेंगे तो जी कह सकते हैं आई कैन ड्राइव अ कार मैं कार चला सकता हूं तो मैं नहीं बोल रहा हूं तो कैन हंड्रेड परसेंट पॉसिबिलिटी दिखाती है तो आप यहां पे देखोगे कि कूड लगाया तो कूड कैन का पास्ट फॉर्म है थोड़ा मैं इससे पीछे भी जा रहा हूं तो कूड पास्ट है कैन मैंने वो जो काम कर सकता था उसके लिए और कुड का एक और यूज होता है मोडाल में आ, किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए कुड यू कुड आई सीट ही क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ कुड अब या मैं किसी से परमिशन लेने के लिए कूड का हम लोग यूज़ करेंगे जब मॉडाल्स में देखूंगा तो मैं इस पर बात करूंगा उससे बोल रहा है कूड यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन तो ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर इफ़ ही कुड प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन तो अब मैं एक एक करके जा रहा हूँ अब देखना जैसे कुड से शुरू हो रहा है ना तो आप क्या करोगे कि ये क्या कर रहा है रिक्वेस्ट कर रहा है और रिक्वेस्ट कर रहा है तो हमारा यहाँ पर तो बड़ा अच्छा जा रहा हाँ और ही कुड प्लीज रिपीट द क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन की ओर देखो तो हमारा लग रहा है कि रिक्वेस्ट भी सही किया गया है और हम जानते हैं कि जितने भी इंटरोगेटिव क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में तो हम ना डू डज डिड हैज़ वाज वो सेल uh, विल ऐसे क्वेश्चन देंगे तो इफ या वेदर का यूज करते हैं इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस को बनाने के लिए ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे वंस अगेन आई रिपीट द सेम सेंटेंस ओके अगर आपका हेल्पिंग भ स्टार्ट हो कैन कोड सुड मस्त इज एम आर वाज वर हैज हैल सेल तो आप इफ़ या वेदर दोनों किसी एक का यूज करेंगे और इंटेरोगेटिव क्वेश्चन को पॉजिटिव बना देंगे अगर हमारा सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में चला जाएगा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा लेकिन आप यहाँ पे देखो कुड है तो हमारा इफ़ तो लगा सही लगा इफ़ लगा, इफ लगा दिए हम सबसे पहले ही रिक्वेस्ट कर रहा है इसलिए मैंने रिक्वेस्टेड किया द इंटरव्यू और इफ़ लगाया क्योंकि मैंने कुड बताया और ही किसके लिए है क्योंकि सेकेंड पर्सन uh, को हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट तो कौन है इंटरव्यूअर तो इंटरव्यूअर के लिए मैंने क्या लगाया इंटरव्यूअर के लिए मैंने लगाया ही ठीक है और कुड तो रहेगा ही प्लीज रिपीट दी क्वेश्चन तो अगर हम यहाँ पे ही कुड रिपीट द क्वेश्चन अगर रिक्वेस्ट करके वहां पे कर सकते तो ये मेरा पूरा सही सही लग रहा है ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यू टू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन और एक मिनट जाते थोड़ा अब यहां पे आते हैं तो आप देखना एक चीज़ और मैं आपको बता दूं यहाँ पे इस क्वेश्चन में पहले के साथ थोड़ा हमको क्या प्रॉब्लम लग रहा है ऑलरेडी प्लीज़ बोल रहा है यहाँ पे रिक्वेस्ट कर दिए तो बार बार आपको ना जब इधर आप चेंज करोगे तो आपको प्लीज़ बोलने का जरूरत नहीं है क्या प्लीज़ बोलने का बिल्कुल भी ज़रूरत आपको नहीं है क्लियर ये ध्यान रखोगे एक बार आपने यहाँ पर रिक्वेस्टेड कर दिया तो आपको प्लीज से आगे बचना है अब आते ही रिक्वेस्टेड टू द इंटरव्यूअर टू प्लीज रिपीट दि क्वेश्चन तो हमारा ए भी यहां पे अभी गलत लग रहा है क्योंकि प्लीज वहां पे बोल दिया गया है अब आगे आएंगे थर्ड ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन अब यहां पे आप क्या गलत किया है देखिए आपका इफ वेदर कुछ लगाया ही नहीं गया है यहां भी आपका इफ वेदर का कुछ मतलब ही नहीं है आप ए और डी में कंफ्यूज करोगे इस क्वेश्चन में ए और डी में आप कंफ्यूज कर सकते हो कैसे क्योंकि इफ़ भी लगाया गया है इंटरोगेटिव को पॉजिटिव भी बनाया गया है लेकिन गलती क्या है बस वहाँ पे प्लीज लगा दिया गया इफ़ ही कुड रिपीट द क्वेश्चन तो आप बस ना यहाँ पे बी को सबसे पहले आप इलिमिनेट करोगे बी को हम किए सी को किए अब आपको डायलिमा में आप आ गए डायलिमा में आने का सेंस है अब आप आपको कंफ्यूजन क्या होगा अगर आप अगर बाय द वे आप अगर भूल जाते हो स्ट्रक्चर को तो आपको ध्यान रखना कि ये दोनों इफ इफ तक मेरा सही है ही है कुड प्लीज यहाँ पे मेरा गलती इसलिए हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पे क्या ले लिए प्लीज को दोबारा रिपीट किसी प्लीज के लिए मैंने यहाँ पे रिक्वेस्टेड लगाया अब यहाँ पे देखो ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर इफ ही कुड रिपीट द्वेश्चन क्योंकि मोडाल भव रहते हैं तो आपको कोई भी भव का फॉर्म चेंज करने का जरूरत नहीं तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यू इफ ही कुड रिपीट द क्वेश्चन क्यों हम इफ लगाए यहाँ पे मेरा कोमा हटा कूड को हम आगे कर देंगे यू को चेंज क्योंकि किससे कहा जा रहा है यू कौन है यू हमारा यू हमारा कौन हो गया इंटरव्यूअर इंटरव्यूअर को कहा जा रहा है कि आप क्या करो फिर से रिपीट करो क्वेश्चंस को तो यू हमारा ही बन गया और ही के बाद कूट को लगा दिए मतलब इंटेरोगेटिव जो था उसको पॉजिटिव बना दिए खास करके मोडाल्स में जहां पे कैन कूड मस्ट सुड रहे तो चलिए आगे आते हैं माना आस रोहन हैव यू सेट इन द ट्रॉली बस बिफोर माना ने रोहन से पूछा हैव यू सेट इन अ ट्रॉली बस बिफोर क्या इससे पहले तुमने कभी ट्रॉली बस में चढ़ चुके हो चढ़ लिया मैं हिंदी ट्रांसलेशन मैथड्स आपको बता रहा हूँ लेकिन आपको अभी अगर उतना नहीं जाना तो आप इसको हमको सॉल्व करना मुझे हिंदी भी नहीं पता मुझे इसका हिंदी मतलब ही नहीं जानना आप एग्जाम हॉल में हो और इस तरह का क्वेश्चन मिल गया तो आपको क्या करना होगा माना आस्क रोहन हैड तो आपको मैंने बताया था हैज सेल तो आप क्या करोगे बिल्कुल भी इफ वेदर अगर नहीं लगाते हो ऐसे क्वेश्चन में तो गलत हो जाएगा तो आप क्या करोगे ये क्वेश्चन में देखो हैड से शुरू किया गया तो हमारा ए पहले गलत हुआ माना आस्क रोहन फिर हैड हमारा आ जा रहा बिना आंख आग... आंख खोले रखना है सॉरी टू से आप हेड से शुरू हुआ कट हो गया माना आस रोहन इफ ही सैट ऑन अ ट्रॉली बस बिफोर और माना आस रोहन इफ ही हैज एवर सैट इन अ ट्रॉली बस अब आपको यही दोनों में इस आंसर को पकड़ना है तो आप यहां पे देखोगे आ, माना ने आस किया है हैव यू सैट इन अ ट्रॉली बस बिफोर तो आप हम चलेंगे यू uh, को बना देंगे किसको माना बोल रही है माना बोल रही है रोहन से तो हमारा यू क्या बन गया यू हम इसको देखेंगे सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट तो रोहन को हम बना देंगे क्या ही बना देंगे इसके पहले मैंने इफ़ uh, लगाया है और यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे हैब लगा हुआ है तो हैब कहाँ पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट का है तो डायक इंडाएट में आप ध्यान रखोगे कि जो प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा और आस्क से क्वेश्चन पूछा जा रहा मतलब रिपोर्टेड क्लॉज हमारा इस रिपोर्टेड क्लॉज में क्या है हमारा रिपोर्टेड भव रिपोर्टेड भविष्य को अगर पास्ट टेंस में रहे सैड रहे आस्ट रहे टोल्ड रहे तो रिक्वेस्टेड रहे तो आपको क्या करना है आपको ध्यान ये बस रखना है कि हैव हमारा क्या प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए पास परफेक्ट का स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट हैड भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट ये हमारा स्ट्रक्चर है तो हैड के साथ भीतरी अब हम यहाँ पे लगाएंगे इफ ही अब ही के साथ हम क्या करेंगे देखो थोड़ा एक कन्फ्यूजन यहां पे है क्या कंफ्यूजन है कि यहां पे ना आपको सीट सेट ही होता है तो यहां पे हम इसको ऐसे कर देंगे इफ ही हैड सेट ऑन तो यहां पे लगा हुआ नहीं है जी इस क्वेश्चन में थोड़ा कही न, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है क्योंकि सीट यहाँ पे ऑन कर दिया गया इसको मान लेना है इन अ ट्रॉली बस बिफोर क्लियर और before और माना आश रोहन इफ़ ही हैज़ एवर सेट इन अ ट्रॉली बस तो हैज़ कभी भी नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा क्योंकि हम जानते हैं कि टेंस हमारा चेंज हो जाता है सिंपल प्रजेंटेंस व उसमें चला जाता है तो आपका यहाँ पे हैड ले के चलेंगे क्लियर ये मेरे साइड से इसमें हैड मिसिंग है कोई नहीं आप इसको समझ जाओगे मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे इफ़ लगाएंगे थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे हम को चेंज करने से में क्या करेंगे या मैं यहाँ बना भी दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को देखिए इसको मैं करता हूँ यहाँ पे देखिए आंसर क्या दिया हुआ ये दिया हुआ लेकिन ये मुझे नहीं लग रहा है कि सेट अ ट्रॉली बस तो यहाँ पे नहीं होते यहाँ पे आपको अगर ये भी हम बात करेंगे तो हैड हो जाएगा कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे करना है माना आस्क एक मिनट माना आस रोहन ठीक है एफ यू था तो यू हमारा है तो यू के लिए हम क्या करेंगे ही हैड सैट इन अ ट्रॉली बस बिफोर तो आप देखो ये हमारा हो जाएगा इफ लगाए और है बोला जो था उसको हम क्या कर दे पॉजिटिव में लेकर के चले गए तो आप इसको देख लोगे चलिए आगे बढ़ते हैं दिनेश आस्क आर यू गोइंग टू दी पार्टी टूमारो रानी आप कभी कभी देखना ना आपका रिपोर्टेड क्लॉज क्या होगा रिपोर्टेड क्लॉज में कभी कभी आपको कन्फ्यूज करने के लिए रिपोर्टेड uh, भर्ब को या रिपोर्टेड का जो रिपोर्टेड क्लॉज का जो सब्जेक्ट आगे पीछे कर देगा तो आपको इसको सिस्टमेटिक अरेंज करना फर्स्ट वी अरेंज दिस सेंटेंस एंड आफ्टर दैट वी मे चेंज इन अ डायरेक्ट टू इन या एक्टिव टू पैसिव या टेंस का जो चेंज करना तो आपके पास जो रफ वर्क रहेगा वहां पर आप काम कर लोगे अगर आप एक्सपर्ट इसमें बनाने में हो तो देखोगे कि दिनेश आज किससे कह रहा हो तो रानी से कह रहा था हम लोग देखते हैं सारो क्वेश्चन में दिनेश आस बिल्कुल भी ये तो आस के बाद आया ही नहीं है तो आपके पास एक ऑप्शन मिल गया कि हमको सबसे पहले इसको एरर कर देना है फिर अगर हम आते हैं दिनेश आस्क रानी चलो यहाँ तक तो सही है आर से है वेदर इफ या वेदर लगाएंगे भी बिल्कुल सही है यू तो यू किसके लिए रानी के लिए तो यू यहाँ बल्कि बिल्कुल भी नहीं होगा यहाँ पर सी होना चाहिए तो हमारा ये एरर तुरंत पकड़ लिए क्यों क्योंकि सेकेंड पर्सन को हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट तो यू नहीं आ यू आर गोइंग टू द बिल्कुल भी नहीं थर्ड आते हैं दिनेश आस्क रानी वेदर वेदर के बाद हम क्या करेंगे ठीक है चलो वेदर और यू को चेंज कर दे रहे अकॉर्डिंग टू रानी तो रानी के लिए क्या हो गया सी और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास कंटिन्यूस मतलब इज एम आर वाज वर में चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो आप क्या करोगे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दिनेश आस्करानी वेद सी वाज गोइंग टू पार्टी अब आप आपको ध्यान में रखना है कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट जब हम करते हैं तो टुडे का डाइट डे टूमोरो नेक्स्ट डे फॉलोइंग डेस्टर डे प्रीवियस डे कम गो का कम या दिस का दैट आ, नौ का देन है ना इस तरह से आपको डायरेक्ट विंडायक्ट चेंज करने रहते हैं सिर्फ आप रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच वाले को डायरेक्ट विंडायक्ट नहीं करेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच में क्या करते हैं ऐसे को भी डायरेक्ट वैक्ट करना रहता है तो आप इसको जरूर ध्यान रखोगे तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा दिनेश आसनानी आर ये बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये फेदर मिसिंग है तो आपको कोई कंफ्यूजन यहाँ पे मैंने इसको कैसे पकड़ा दिनेश आसरानी वेदर सी वॉज गोइंग टू दी पार्टी द नेक्स्ट डे चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे तो हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू ही सेड टू मी उसने मुझसे कहा कि मैं तुम पे क्या करती हूँ विश्वास नहीं कर मैं तुम पे विश्वास नहीं करता हूँ चलो तो अब अब मैंने आपको बताया था एक चीज़ और ध्यान देना है जब भी हमारा रिपोर्टेड भॉ मतलब रिपोर्टेड भाव किसको बोलते हैं ध्यान से आप देख लोगे एक क्विक रिवीजन क्लास में इसको मान करके आप चलोगे है ना इसे मान करके चलोगे क्योंकि इसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन को डील नहीं करता हूँ मैं क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ जो एग्जाम में आपको बड़ा मदद करेगा जब आप लास्ट टाइम इस वीडियो को देखोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा ही सेड टू मी तो जब भी सेड रहे बच्चा तो आपको ध्यान देना है कि सेड टू मी है तो ट्यू टू को हम रिमूव करके इसको टोल्ड में चेंज करते हैं खाली ही सेड रहे तो हम ही सेड ही करेंगे और जब भी उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट रहे तो हम उसको टोल्ड में चेंज करेंगे टू को स्किप कर देंगे अब आते हैं ही सेड टू मी ही डिसाइडेड नॉट टू बी तो ही डिसाइडेड कहाँ से आ गया भाई कहाँ से तुम इसको बना दिए बिल्कुल गलत है आई डोंट बिलीव यू ही सेड आई डोंट बिलीव यू ही सेड अरे बस उसी को उल्टा कर दिया ही सेड बोल दिया कहाँ से आ गया भाई टोल लगाना था ही सेड द नॉट बिलीव मी अरे भाई का जब आदमी हो आप, आप लोग जी सीधे एकदम ही सेड टू ही बिलीव कहीं कुछ नहीं है अब आते हैं लास्ट वाले में तो आप देखो ही टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट बिलीव मी तो देखो मैंने जैसा यहाँ पर बताया था ही टोल्ड मी उसके बाद इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए मैंने दैट को लगाया ही तो आई कौन है बेटा आई हमारा ही है क्योंकि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मेरी बात पर ध्यान आप बस दोगे स्ट्रक्चर ग्रामर मींस स्ट्रक्चर आपको स्ट्रक्चर का ज्ञान है देन यू कैन इजीली सॉल्व द एक्टिव टू पैसिव एंड डायरेक्ट टू इंडायरेक्ट। आपको स्ट्रक्चर माइंड में रखना टेंस इज अ बैकबोन ऑफ द इंग्लिश ग्रामर टेंस इज अ बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी है मैं अभी खड़ा हूं तो बैकबोन इज माय स्ट्रांग देन आई कैन स्टैंड हियर अगर आपका घर बड़ा तल्ले पे तल्ला बनाए जा रहे हो बड़े बड़े बुर्ज खलीफा बन गए तो फाउंडेशन अगर मजबूत नहीं रहेगा ब्रिज बन रहे हैं तो फाउंडेशन को सबसे पहले मजबूत किया जाता तो, okay? तो you know है तो टेंसेस इज अ फाउंडेशन ऑफ द इंग्लिश ग्रामर ओके तो फर्स्ट यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द टेंसेस बारहस्ट से स्ट्रक्चर आपके माइंड में रहने चाहिए कोई भी पूछ दे प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट हैज़ हैव भी थ्री पास परफेक्ट सब्जेक्ट हैड भी थ्री ऑब्जेक्ट कोई भी पूछ दे प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज अ मार्क किसका पास्ट का तो बाजू है फ्यूचर का विल सेल विल हैव ऐसे आपके पास मुंह में रहना चाहिए तब जाकर के आप सॉल्व कर पाओगे तो ही टोल्ड मी ही टोल्ड मी किए ही टोल्ड मी सही है दैट लगा इनवर्टेड कॉमा का ही और मेरा कौन सा था ये हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इन डिफिनेट टेंस का नेगेटिव है जहाँ पे हम डोंट और डज आज आपको कल आपके टेंस के क्लास में सिखाया था तो आप क्या करोगे अब इसको सिंपल पास्ट में ले जाओ तो सिंपल पास्ट में हम क्या करते हैं सिंपल पास्ट में ओबीएस सा बात है डोंट को डिड में चेंज कर देंगे जो कि हम लोग नेगेटिव इंटेरोगेटिव में यूज करते हैं तो ही टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट बिलीव मी अब तुम पूछोगे सर ही कैसे लगा दिए तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और uh, आई डोंट बिलीव मी यू तो यू किसके लिए मी के लिए तो so मी का क्या हो गया मी का मी ही रहेगा आई एम कभी भी ऑब्जेक्ट में नहीं लगाएंगे तो डी इज अ करेक्ट चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ चलिए अथी ब्रेक्स लॉक्स अब क्या किया चोर ताला को तोड़ता है यही ना बोल रहा है जी अथी ब्रेक्स द लॉक अब देखो थीप लगा हुआ है ब्रेक्स हम यहाँ भी टेंस सीख सकते हैं कैसे बताओ तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है थर्ड पर्सन हमारा थीप है थीप के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं हमेशा थीप के साथ हम वी फाइव लगाएंगे ब्रेक ब्रोक ब्रोकेन ब्रेक ब्रोक ब्रोकेन ब्रेकिंग ब्रेक्स पांचों फॉर्म है वन और फाइव हम लगाते हैं तो आप देखोगे अथी ब्रेक्स लॉक्स तो हम यहाँ पे ब्रेक्स को क्या करेंगे अथी ब्रेक्स लॉक तो अब हम यहाँ पे कौन भाई कैसे इसको चेंज करेंगे तो हमारा ये डायरेक्ट इंडायरेक्ट ना होकर के क्या है ये हमको लग रहा है एक्टिव और पैसिव का क्वेश्चन है तो हम इसको एक्टिव मान लिए अब पैसिव चेंज करते हैं अब हम लोग चलिए बिना इसको देखे हुए चेंज इसको करने का प्रयास करते हैं हम लोग आंसर बाद में देखेंगे चलिए इसको हम लोग बनाते हैं सबसे पहले पैसिव ये हमारा एक्टिव है लॉक्स को करेंगे लॉक्स कैसा भाई एक लॉक नहीं लगता चोर चार पांच घरों का ताला तोड़ा है तो लॉक्स हो गया लॉक्स के बाद हम देखेंगे ईज लगाएंगे एम मार लगाएंगे क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस उसके आगे क्या आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस उसका इज एम आर को कैरी ऑन करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या हम जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग भव एम आर को लेते हैं दोनों तरह से आप याद कर सकते हो मैं तो मैथ्स का फॉर्मूला पुट कर देता हूँ भाई ने मैंने क्या किया मेरे पास इज एम आर को मैंने ले लिया तो लॉक्स के साथ हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन है और यहाँ पर आर लगेगा तो आर ले लिया लॉक्स आर अब लॉक्स आर क्या हो जाएगा ब्रेक का क्या होता है थर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए ब्रेक ब्रोक ब्रोकेन तो लॉक्स आर ब्रोकेन बाय थीप अब यहाँ पे हम यहाँ कर लिए साइड में अब उसके बाद आप ऑप्शन की ओर जाओ ऑप्शन की ओर जाते हैं तो ऑप्शन लॉक्स आर ब्रोकेन बाय अ थीप देखिए चाहे मेरा बिता वो थोड़ा मिटा दिए तो वो दोनों सही हो गया है ना लॉक्स आर ब्रोकेन बाय अ थीप तो हमारा लॉक्स आर ब्रोकन बाय अब यहां देखिए लॉक्स आर ब्रोकन बाय अ थीप लॉक्स आर ब्रोकन बाय अ थीप और लॉक्स आर यहाँ पे अच्छा दो दो ए और डी भी दोनों यहाँ पे हम चलिए इसको ईज बना देते हैं अगर यहाँ पे ईज रहता लॉक्स अस आ, आर आर यहाँ पे लिख चलते थोड़ा सा टाइपिंग एरर यहाँ पे उसको ध्यान दीजिएगा लेकिन ये आपको समझना है मैं आगे से ध्यान दूंगा किस तरह के आ, से बचूँ छोटे छोटे एयर से लेकिन क्या किया टाइपिंग में हो जाता है द ग्रोसर्स डिस्प्ले द प्राइसेस क्या क्या है ग्रोसर्स जो बेचने वाला सामान वो डिस्प्ले किया है प्राइसेस का किसका क्या मैंगो का कितना दाम है कितना प्राइसेस में बड़े बड़े आप मॉल में जाओगे तो आपका देखना सारा प्राइस टैग लगा हुआ रहता है चूक एन पिक एंड चूज कॉन्सेप्ट पे आज हम लोग मार्केटिंग करते बड़े बड़े मॉल्स में जाओगे तो ग्रोसर्स क्या क्या डिस्प्ले द प्राइसेस आप पहले पकड़ना है कि कौन सा टेंस है तो हम देख रहे हैं कि कोई भी हेल्पिंग भव नहीं है दैट इज मीन्स सिंपल पास्ट है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस भी टू प्लस ऑब्जेक्ट तो भी टू भी हमारा है डिस्प्ले अब आते हैं तो डिस्प्ले है तो इस तरह जैसे सिंपल प्रेजेंट में मैंने इज ए मार्क लिया था तो सिंपल पास्ट में मैं वाज वाचवर को लूँगा तो हम यहाँ पे याद करते हैं द प्राइसेस तो है प्राइसेस डिस्प्ले बिल्कुल भी नहीं वाज वर मिसिंग है ए एर है द प्राइसेस वर डिस्प्लेड बाय द ग्रोसर बिल्कुल सही है क्यों क्योंकि प्राइसेस के साथ हम क्या लगाएंगे एक का प्राइस नहीं सबका प्राइस वो डिस्प्ले किया तो वो डिस्प्ले अब आगे आते हैं द प्राइसेस वाज डिस्प्ले वाज बिल्कुल भी नहीं लगेगा क्योंकि प्राइसेस है सिंगुलर है नहीं द ग्रोसर गॉड डाउन भी बिल्कुल गलत है तो हम हम किसके साथ जाएंगे बी ऑप्शन के साथ जाएंगे बी इज अ करेक्ट आंसर तो देखिए हमारा बी करेक्ट भी है ये देखिए बी करेक्ट है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवेन वन आपको देखना अब सिमिलर्स में स्पेलिंग टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं तो मैंने दो क्वेश्चन को आज लिया आपके लिए रैलिस रैलिस मतलब क्या होता है रैलिस uh, मतलब हम कहेंगे रिवील टेस्टी रियलाइज तो हम कह सकते हैं रैलिस होता है जब हम किसी चीज को इंजॉय करते हैं दैट इज रैलिस आता है टेस्टी रियलाइज रिवील ना होकर के हमारा क्या होगा रैलिस आज आप याद करोगे रैलिस मतलब हुआ रियजॉय <coughs> अब आगे आते हैं हम लोग एक और मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिया इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन बेस्ट एक्सप्रेस अ सिमिलर मीनिंग ऑफ द एट्रोसिटी एट्रोसिटी मतलब होता है आपका वायलेंस जब भी हम कोई हिंसात्मक काम करते हैं हिंसात्मक काम के मतलब जिससे आ, लोगों को परेशानी आ जाए लॉ एंड ऑर्डर को मानना पड़ा उसको बुलाना पड़ जाए हम उसके खिलाफ़ काम करते हैं तो दैट इज कॉल्ड वो क्या हो जाएगा वायलेंस है ये नहीं जेलस नहीं होगा ये नेवी नहीं होगा एबजी नहीं होगा वायलेंस होगा तो दो वर्ड आज आप याद रखोगे एट्रोसिटी और एक क्या याद रखोगे रहे, 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 रैलीस है ना और बाकी इस तरह की इतने हम हमको लगता है कि मोर देन हंड्रेड टू हंड्रेड मैंने सिनोनिम्स से सेन्टोनियम्स और स्पेलिंग वाले टेलीग्राम चैनल पे करवाया है जब मैं स्टार्टिंग जून से अगर आप उसको पीछे स्क्रॉल करोगे तो आप देखोगे कि लगभग मैंने खूब सारे क्वेश्चन इस पर करवाए हैं तो आप इसको देख सकते हो आपको खूब सारा वर्ड का मीनिंग पता चल जाएगा है ना इस तरह हमने आज ट्वेंटी क्वेश्चनस को देखा और पिछले का क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा कि जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं लैंग्वेज को तो हम क्या करते हैं ये हम लोग जब उसका स्टडी करेंगे तो हम लोग ध्यान देते ही देते हैं लेकिन आ, जब हम उसको स्टडी करते हैं तो हम फोनोलॉजी उसको बोलते हैं तो प्लास जब क्लास वन का जाओगे तो उसका फोनेटिक्स ph आपका आंसर होगा और अभी हम लोग आ जाएंगे ड्यूरिंग द मिडिल इंग्लिश पीरियड इंग्लिश कैम अंडर द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द डैश लैंग्वेज किसका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा पड़ा था मिडिल इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ़ दैंग्वेज इटाली लैटिन का फ्रेंच का जर्मन का ग्रीक का तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे वो दोगे आप जब भी वेन यू वॉज दी वीडियो आफ्टर दैट आप थोड़ा सा समय निकाल करके मैं जान रहा हूँ कि वो यू ऑल आर वे busy about your studies you are focus in your studies but you have a uh, when you watch my video that time first you have to uh, take a few minutes for me and write an answer for me not फ़ॉर यू बिकॉज यू विल गिव अर आंसर दैट आई फील कम्फर्टेबल मुझे अच्छा महसूस होगा एंड मुझे अच्छा लगेगा कि चलिए पार्टिसिपेशन लोगों का दिख रहा है तो मैं ज़्यादा मोटिवेट हूँ आप मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो आप शेयर करो आपको अच्छा लगता है तो वेल एंड गुड आप सुनिए दोस्तों से शेयर कीजिए और मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर आप कुछ सीख रहे हैं और आप अगर इसका जानते हैं तो आपको थोड़ा सा अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आंसर ज़रूर देना चाहिए तो आई होप कि आज आपको ये क्लासेस अच्छा लगा होगा थोड़ा वीडियोज बड़ा हो जाता है क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं तुरंत ऑप्शन पे ना जाऊं क्योंकि हम लोग रिवीजन क्लास में जा रहे हैं अब मैं जितने फिफ्टी अबव जो उतने लेक्चर जो दिए हैं मैंने इस पर भी लेक्चर दिया मैं अगर आप कहोगे तो आगे भी मैं रिपोर्टेड स्पीच पर एक लेक्चर लेकर के आऊँगा मैं बेसिक क्विक रिविजन इसका भी कराऊंगा मेरा टारगेट है एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इंडायरेक्ट और टें तीन का मैं जरूर कराऊंगा और क्लाउज में भी मैं कराऊंगा क्लाउज का करवा दूंगा ताकि आप एडभव एडजेक्टिव नॉन प्रिंसिपल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जिरण पार्टिसिपल इस से रिलेटेड भी मैं लेकर के वीडियो आऊँगा तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं मैंने इसका जिक्र किया था सफलता का बंडल भी आप ले सकते हैं जिसमें पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री सारा कंपाइल आपको मिलेगा बाकी आप नीचे आ जाओ सामान्य ज्ञान से लेकर के करंट अफेयर ये सारे चीज़ हमारे स्टडी फॉर गोल्स ऐप में अभी तो आपके पास उतना समय नहीं है फिर भी आप एक महीना में मेरे सारे वीडियोज़ को देखना चाहते हो तो सेवेंटी फोर फोर्टी नाइन में आप सारे कंप्लीट वीडियोज़ को देख सकते हो कुछ कुछ वीडियोज स्कीप हैं जिसको मैं कवरअप कर दूँगा उसके लिए वरी नहीं लेना है झारखंड कॉन्स्टेबल का सॉरी टू से कॉन्स्टेबल का वैकेंसी आ चुकी है और आई थिंक आपको अगर वर्दी का जुनून है आप वर्दी पहनना चाहते हो तो बड़ा अच्छा मौका है आप इसमें भी इस कोर्स को परचेज करके इसका भी लाभ ले सकते हो है ना और अभी आपको देखिएगा कि मैथ्स के लिए भी हमारे पास राकेश रंजन सर एक वीडियो लेकर के आएंगे स्टार्ट करें कॉन्स्टेबल के लिए और बाकी भी आप अगर मैथ्स में आपको लगता है कि मुझे काम करने हैं तो आप उस वीडियो को जरूर लाइव आइएगा आपको बड़ा अच्छा लगेगा तो चलिए इन सब के साथ आज क्लास को हम ओवर करते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग स्वस्थ रहिए मस्त रहिए अपनों और अपनों का खूब ख्याल रखिए ठंड में बच करके रहना है और पढ़ाई करते रहिए